शीघ्र पतन हो जाता है, बहुत जल्दी गिव अप हो जाता है उनका, गिव अप कर देते हैं। वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं सारे के सारे भाई लोग? आज का जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है फिटनेस वालों के लिए, बॉडी बिल्डिंग वालों के लिए, जो भी है एथलीट हो चाहे कोई भी कॉमन मैन हो, सबके लिए टॉपिक है, गर्ल्स के लिए, बॉयज़ के लिए, सबके लिए टॉपिक है। टॉपिक है आज का कि हमारी सेक्सुअल लाइफ आज की डेट में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होती है, शीघ्र पतन हो जाता है, या फिर कोई ऐसी कई बंदों को ऐसी प्रॉब्लम्स है कि बहुत जल्दी गिव अप हो जाता है उनका, गिव अप कर देते हैं। उसके क्या रीज़न है आप लोगों को फील होता है ये चीज़, बट आप डॉक्टर से कंसल्ट नहीं करते हो। रीज़न ये है कि ये चीज़ें ऐसी हैं जो इंडिया के अंदर स्पेशली प्राइवेट मानी जाती हैं, नहीं डिस्कस करते हम किसी के साथ इसको, या फिर डॉक्टर के साथ भी हम डिस्कस नहीं करते हैं। तो वो क्या रीज़न है, क्यों ये सारी हमारी सेक्सुअल लाइफ जो है हमारी इफेक्ट होती है, या क्यों हम परफॉर्म नहीं कर पाते, क्यों गिव अप कर देते हैं जल्दी, उसके कई रीज़न है। उसको कैसे क्या सोल्यूशन है वो दोनों को मैं बता रहा हूँ। वीडियो को लास्ट तक एंड तक देखना, और अगर मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, नए हैं मेरे चैनल पर, तो तुरंत इसको सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसी नॉलेज की वीडियो सिर्फ बादल भाई के चैनल पर ही आती है। तो टॉपिक जो है हमारा ये है कि हमारी सेक्सुअल लाइफ, हमारी जो दिनचर्या है, या हम गिव अप क्यों कर देते हैं जल्दी से, जैसे ही हम सेक्स के लिए जाते हैं या हम सेक्स करना स्टार्ट करते हैं हम जल्दी से गिव अप कैसे कर देते हैं, क्यों कर देते हैं। उसके कई रीज़न हैं, मैं आपको बताता हूँ। जो हमारा दिनचर्या आज की डेट में, सपोज़ आप कॉरपोरेट सेक्टर में काम कर रहे हो, या फिर आपका जॉब ऐसा है, नाइट का जॉब है, या फिर आपका जॉब ऐसा है कि आपको इतना ज़्यादा स्ट्रेस उसमें झेलना पड़ता है, उसका पहला रीज़न जो है वो मैं आपको बताता हूँ। स्ट्रेस जो हमें जॉब से हो, या फिर पैसे का हो, या फिर जॉब नहीं है कई लोगों को, कई लोग जॉब नहीं होती उनके पास, बेचारे परेशान हैं, या जल्दी जॉब छूट जाती है, या फिर उसको जो है स्ट्रेस इतना है जॉब का कि ये भी करना है, वो भी करना है, टारगेट दे दिया जाता है तो उसको दिमाग में इतना ज़्यादा, या फिर कईयों को जो है कर्जा ले लिया है, लोन देना है, घर का रेंट देना है, ये बहुत सारी फैमिलीज़ की प्रॉब्लम, बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो हमारे दिमाग में क्या है, एक स्ट्रेस पैदा करती हैं, जिससे हमारा सीधा हमारे टेस्टोस्टेरोन के ऊपर फ़र्क पड़ता है, जिससे सीधा हमारा जो है स्पम्प हमारा डाउन होने लग जाता है, हमारी जो सेक्सुअल लाइफ है वो इफ़ेक्ट होनी स्टार्ट हो जाती है। इसको कैसे हम आगे बढ़ाएंगे वो भी मैं डिस्कस करूँगा, लेकिन पहले बता दूँ क्या क्या रीज़न है जिससे ये डाउन होता है, सो दैट आप उसको जो है उस पर काम कर सको। तो सबसे पहली बात, तो चाहे आप कुछ भी करते हो आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। स्ट्रेस कैसे दूर करोगे, आप कोई कॉमेडी वीडियो देख लो, या फिर कोई ऐसी चीज़ें देख लो जिससे आपका माइंड डाइवर्ट हो जाए। देखो प्रॉब्लम है तो उसका सलूशन तो आपने ही निकालना है। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई भी प्रॉब्लम है, कोई दूसरा नहीं आएगा निकालने के लिए, आपने ही उसका सलूशन निकालना है। तो वो कैसे निकालना है उसके बारे में सोचो। स्ट्रेस लेके कोई फ़ायदा नहीं है। दूसरा, डाइट सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, सबसे ज़्यादा जिसका बॉडी इफेक्ट करती है वो है आपकी डाइट। अब दिनचर्या ऐसी हो गई है, उठने का टाइम फिक्स नहीं है, सोने का टाइम फिक्स नहीं है, नाइट ड्यूटी है, दिन में सोना है, रात को उठना है, कईयों का ऐसा ये भी रीज़न है, या फिर कईयों का अगर दिन में जॉब है तो उनका टाइमिंग ऐसा है कि उनको पता ही नहीं है कि कब कौन सी चीज़ खानी है, काम में इतने बिजी हैं कि उनको पता ही नहीं है कौन सी चीज़ खानी है, कब खानी है, जो मिला वो खा लिया। तो जंक फूड, तेल, मीठा, बाहर की चीज़ें जो होती हैं हम ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, जिससे हमारी बॉडी में कैलोरीज जो है इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है कि हम उसको बंद नहीं कर पाते। सबसे पहले आपने डाइट को अपनी चेंज करना है। डाइट में आपने क्या लेना है, सिंपल डाइट में आपको बता देता हूँ। बॉडी के लिए हमें क्या रिक्वायरमेंट होती है, बॉडी के लिए हमें ज़रूरत है, मसल बिल्डिंग के लिए हमें ज़रूरत होती है प्रोटीन की। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, गुड फैट, न्यूट्रिशन हमारी बॉडी के अंदर पूरे जाने चाहिए। अगर आप वेट लॉस पर भी हैं या फिर आप मसल गेन भी कर रहे हो तो यही डाइट होती है जो आपको दिन भर में 4 से 5 डाइट आपने टोटल लेनी होती है। तो सबसे पहले आप इस डाइट को फोकस करो। बाहर की जो मैदा हो गया, पानी पूरी, छोले भटूरे, ये आपके पिज़्ज़ा, पास्ता, बर्गर, सैंडविचेस, ये जो जंक फूड है, चाइनीज़ फूड है, इसको अवॉइड करो, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा आपकी बॉडी को स्पॉइल करता है। और यही रीज़न है कि आपकी ओबेसिटी की प्रॉब्लम आपके अंदर बढ़ जाती है, फैटी लीवर, या फिर बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आपको जो है आ जाती हैं। तो आपने सबसे पहले इसको जो है अवॉइड करना है। अब तीसरी सबसे बड़ी चीज़ क्या है जो आपको इफ़ेक्ट करती है, तीसरी सबसे बड़ी चीज़ है रेस्ट टाइमिंग। आप दिन भर में 6 से 7 घंटा आपने सोना ही सोना है, कंपलसरी है, चाहे आप रात को सो चाहे आप दिन में सो, 6 से 7 घंटा एक नॉर्मल बंदे के लिए, एक फिटनेस वाले बंदे के लिए, अगर कोई एथलीट है तो उसको थोड़ा सा रेस्ट ज़्यादा ही ज़रूरत होती है, क्योंकि उसका मसल जो है रिकवर होने में टाइम लगता है, वो काफ़ी मेहनत करता है, तो उसको थोड़ा सा अगर रेस्ट 1-2 घंटा एक्स्ट्रा भी करे तो चल जाता है। बट एक नॉर्मल फिटनेस वाले बंदे के लिए 6 से 7 घंटा सोना बहुत ज़रूरी है।
जो नींद पूरी होती नहीं है। आपने देखा होगा मोबाइल एक सबसे बड़ा आज की डेट में जो है ना एक ऐसा मैं बोलूँगा ऐसी बीमारी लग चुकी है कि 24 घंटे हाथ में वही रहता है। तो मोबाइल जब तक आपके हाथ में रहेगा आपको नींद नहीं आएगी, पता नहीं लगता 3 बजे 4 बजे रात के 4 बज जाते हैं, आपको पता ही नहीं लगता कि नींद नहीं आ रही है। अब नींद क्यों नहीं आ रही है? बिकॉज हाथ में मोबाइल है, उसमें मैसेज वगैरह सब कुछ आपका चल रहा है। कईयों को ऑनलाइन काम होता है, ऑनलाइन जॉब होता है, उनको उसमें काम करना होता है। तो सबसे पहले आपने इन चीज़ों का एक फिक्स टाइम बनाना है कि भाई इतने बजे से इतने बजे तक मेरे को काम करना है, इतने बजे मेरे को सो जाना है। तो उसका फिक्स टाइमिंग बताएं। दिन में अगर आपके पास टाइम मिले तो 1-2 घंटा दिन में सोना बहुत ज़रूरी है, उससे आपकी बॉडी जो है रिकवर होती है, उससे आपका जो है, आप कभी भी नोटिस करना जब आप सोने दिन में सोते हो, सोने के बाद जब उठते हो तो आपकी बॉडी रिलैक्स होती है। तो रेस्ट एक ऐसी चीज़ है जो अगर आप करते हो तो आपको बहुत जल्दी आपका जो है ये सेक्सुअल लाइफ टेस्टोस्टेरोन आपका जो है बॉडी में बनना स्टार्ट होगा या ज़्यादा बनेगा, रिकवर हो जाएगा आपका बॉडी। अब चौथा सबसे बड़ा और सबसे जो है इफ़ेक्टिव चीज़ जो आजकल कॉमन हो चुका है गर्ल्स के अंदर बॉयज़ के अंदर, ज़रा सा कुछ स्ट्रेस हुआ या फिर ज़रा सा कुछ प्रॉब्लम हुई, ब्रेकअप हो गया, कुछ हो गया, ड्रिंक करना स्टार्ट कर देते हैं या फिर लाइफस्टाइल ऐसा बना लिया कि एक तरीके से पैशन हो गया ये। जैसे पैशन है, मेरा पैशन है कि मेरे को बॉडी बिल्डिंग करनी है, तो जब हम एथलीट हैं हम बॉडी बिल्डिंग करते हैं तो हम इन चीज़ों को अवॉइड कर देते हैं, हम पीते ही नहीं हैं, मैं तो घर पीता ही नहीं हूँ, बट औरों की बात कर रहा हूँ, उस चीज़ को अवॉइड करते हैं। तो देखो सबसे पहले अगर आप इस चीज़ से बाहर आना चाहते हैं तो आप फिटनेस को ज्वाइन कर लो, जिम ज्वाइन कर लो, कहीं पे भी आप चाहे योगा ज्वाइन कर लो, कोई ऐसी चीज़ ज्वाइन कर लो जिससे आपका माइंड जो है फ्रेश रहे, आपकी बॉडी में जो है अच्छा टेस्टोस्टेरोन बने और इन चीज़ों को आप अवॉइड कर सको। तो अल्कोहल टबैको ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपके स्पर्म को ख़त्म कर देती हैं, आपके ऑर्गेंस को बेकार कर देती हैं, ऑर्गेंस इन द सेंस आपके लीवर को इफेक्ट डालेगी, लीवर जब इफेक्ट होगा आपके जब लंग्स इफेक्ट होंगे तो आपकी बॉडी में ऑटोमेटिक आपका मेटाबॉलिक सिस्टम खराब हो गया, लीवर खराब हुआ आपका जल गया अंदर से तो मेटाबॉलिक सिस्टम खराब हो गया, मेटाबॉलिक सिस्टम खराब हो गया जो भी आप खाओगे वो आपके फैट में कन्वर्ट हो जाएगा, फैट में कन्वर्ट होगा उससे क्या होगा, ओबीसी की प्रॉब्लम, टेस्टोस्टेरोन गिरना स्टार्ट हो जाएगा, आपका स्पर्म काउंट ख़त्म हो जाएगा, स्पर्म काउंट कम हो जाएगा। तो ये सारी प्रॉब्लम्स स्टार्ट होती हैं आपकी यहाँ से, तो आपने इन चीज़ों को अवॉइड कर देना है बिल्कुल भी। और कोशिश करनी है अगर आपको इस चीज़ के एडिक्शन है आपको, आप लेते हो तो आपने धीरे 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 इन चीज़ों को कम करना है, क्योंकि भैया आपका जो स्ट्रेस है वो स्मोक करने से कम नहीं होगा, वो बढ़ जाएगा। और तो इन चीज़ों को अवॉइड करना है। अल्कोहल लेने से आप जितने देर अल्कोहल लोगे वो आपका स्ट्रेस बढ़ेगा कम नहीं होगा, उसका एक ही तरीका है सबसे अच्छा, या तो आप ऐसे उस इन्वायरमेंट से चले जाओ जिस इन्वायरमेंट में आपको ऐसी प्रॉब्लम है, या फिर आप ऐसी चीज़ें करो जिससे आपको थोड़ा सा हंसी मजाक मस्ती या फिर बाहर जैसे थोड़ा सा इन्जॉयमेंट कर लिया, कभी डांस कर लिया, कुछ कर लिया, तो उन चीज़ों से अवॉइड करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका माइंड काम करना स्टार्ट करेगा, आपकी लाइफ भी अच्छी हो जाएगी। तो गाइस यही रीज़न है जो आज की डेट में सबसे ज़्यादा जो है बॉडी को इफेक्ट डालते हैं, आपने इसी चीज़ को नहीं करना। अब सबसे बड़ी बात, अगर आप एक्सरसाइज करते हो, देखो जो अच्छी बेंच प्रेस मारता है, अच्छे डेडलिफ्ट मारता है या फिर अच्छी जो है स्क्वाट मारता है, उसका टेस्टोस्टेरोन वैसे ही हाई हो जाता है। तो आपने सबसे पहले इस चीज़ का ध्यान देना है, आप एक्सरसाइज करोगे तो आपका नेचुरल आपको मेटाबॉलिक सिस्टम हाई होगा, कार्डियो करोगे तो मेटाबॉलिक सिस्टम हाई होगा, मेटाबॉलिक सिस्टम हाई होगा तो आपको भूख लगेगी, अब भूख लगेगी तो आप अच्छा खाना खाओगे तो ऑटोमेटिकली बॉडी फिट होना स्टार्ट हो जाएगी, धीरे 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 स्टैमिना आएगा, एंड्योरेंस बढ़ेगी, आपकी सारी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। तो यही रीज़न है, आपने थोड़ी सी अपनी दिनचर्या को टाइम निकालना है, आपने 1 घंटे का टाइम देना है जिम में, आप जाके एक्सरसाइज करो, आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली फिट होना स्टार्ट हो जाएगी, 10 साल वैसी छोटी उम्र हो जाएगी आपकी। तो इस चीज़ को गाइस फॉलो करके देखो और मुझे बताओ इससे आपको इफेक्ट पड़ा नहीं पड़ा, या जिसने भी फॉलो किया उसको पड़ा नहीं पड़ा, इस चीज़ के बारे में मेरे को आपने बताना है। इसमें ढेर सारे कमेंट करने हैं, आपने क्या रहे आपकी वो भी देने, और नेक्स्ट टॉपिक कौन सा होना चाहिए आपके हिसाब से, किस टॉपिक पर मेरे को वीडियो बनानी चाहिए वो टॉपिक भी आपने नीचे लिखना है, और अगर मेरे चैनल पर नए तो जाने से पहले इसको सब्सक्राइब जरूर करना है। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।